वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 12th क्लास स्टूडेंट एंड आज की पाठशाला में हम बात करेंगे माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी लंबी सीरीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब एज ए बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन पूछा गया है, तो हम इसी पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना एज ए बायो फर्टिलाइजर एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एप्लीकेशन जब भी आएगा तो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करने होंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेस्ट इन प्लांट्स। सो आपको पता होना चाहिए कि जो बायो कंट्रोल्स होते हैं वो किसी भी प्लांट में पेस्ट या डिसीज को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन सिविलाइज्ड वर्ल्ड दीज प्रॉब्लम्स ऑफ द प्लांट्स आर टैकल्ड यूजिंग द केमिकल एंड पेस्टिसाइड। और आज के इस समय में, ठीक है, सभ्य संसार में इन सारी प्रॉब्लम्स को कुछ केमिकल और पेस्टिसाइड्स के द्वारा दूर किया जाता है। दीज केमिकल्स आर द एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस तरीके का जो मैं ये कहूँ केमिकल है वो ह्यूमंस के लिए या अदर ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी हार्मफुल होता है और बहुत ही नुकसानदेह होता है। दे पॉल्यूट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को भी पॉल्यूशन पॉल्यूटेड करता है, लाइक एयर, वाटर एंड द सॉयल। एंड ऑल्सो बी आर डेटीरियोएट द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये इसकी क्वालिटी को भी डिक्रीज करता है, तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज। सो पेस्ट और डिसीज के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए एज ए यूज किया जाता है। दिस मेथड ऑफ द पेस्ट कंट्रोल इन द एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द मोर अपॉन द नेचुरल प्रेडेशन। बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरी इसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ इकोसिस्टम। तो इस तरीके का जो मैकेनिज्म है वो पेस्ट कंट्रोल डिसीज रेजिस्टेंस के लिए होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स डेवलपिंग अ सिस्टम वेयर द कम्प्लीट इरेगेशन ऑफ द पेस्ट इज अवॉइडेड एंड दस हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी की मेंटेनेंस में भी हेल्प करते हैं। वेन नोल बीटल विद द रेड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स एंड द ड्रैगन फ्लाई आर द क्वाइट हेल्पफुल बिगनिंग द रिलीफ फ्रॉम द एफिड्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। तो बहुत सारे बीटल, रेड ब्लैक स्ट्रिप्स और ड्रैगन फ्लाई हेल्पफुल होते हैं एफिड्स एंड मॉस्किटो के लिए। बैक्टेरिया बैसिलस थुरिंजिनेसिस नोन एज द बीटी इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर। और ये बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर के लिए भी यूज होते हैं। एन एक्वस सस्पेंशन ऑफ द बीटी स्पोर्स इज स्प्रीड एंड द डिसीज दीज स्पोर्स रिलैक्स द टॉक्सिन एंड रीचिंग द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द लार्वी एंड दस किल देम। सो बीटी कॉटन रिलीज द बीटी टॉक्सिन एंड दे हेल्प टू किल द पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। इन दिस वे वी कैन से डेट। ओके, सो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए बायो फर्टिलाइजर। इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज द मैटर ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्न टूडे एंड ड्यू टू बी इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीडर यूज ऑफ द केमिकल बायो फर्टिलाइजर ऑन द राइज। दिस हैज रिजल्टेड इन टू द लार्ज स्केल पॉल्यूशन ऑफ सॉयल एंड वॉटर। ड्यू टू दिस द फोकस इज नाउ शिफ्टिंग द टोवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। सो बायो फर्टिलाइजर जो होता है वो एक केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ बैक्टेरिया और फंजाई और साइनोबैक्टेरिया फर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर फील्ड जो है या क्रॉप कल्टीवेशन अच्छा होता है। लाइक बैक्टेरिया राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टेरिया एंड एजो स्पोरिलम एंड एजेटो वैक्टर फ्री लिविंग बैक्टेरिया कैन बी अ फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मतलब ये क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट में चेंज करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और तभी नाइट्रोजन का कंटेंट बनता है, और ये बहुत जरूरी है एक सॉइल फर्टिलिटी के लिए। नेक्स्ट इज फंजाई। दे फॉर्म द मर्चुअली बेनिफिशियल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट ऑफ द हायर प्लांट राइका माइकोराइजा इन पी प्लांट एंड मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फ्रॉम द माइकोराइजा।
इन दिस एसोसिएशन द फंगल सिम्बायोटिक एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस इन द सॉइल पासेस द प्लांट एंड हेल्प द बायोसिंथेटिक वी कैन से डेट नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो माइक्रोएजर सो द अनदर बेनिफिट ऑल्सो सच एज अ रेजिस्टेंस और रूट बोन प्रोथोजन्स, है ना, बहुत सारी रूट बोन प्रोथोजन्स को ये रोकती है. टॉलरेंस जो सेलिनिटी, ठीक, सेलिनिटी को टॉलरेंस करती है. ड्रॉट एंड एवर ऑल द इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, ड्रॉट को रोकेगी, सूखेपन को रोकेगी और ओवरऑल इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ को डेवलप करती है. तो ये भी याद रखेंगे. नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया. सो दे आर द ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स में डिवाइडेशन होता है इनका. फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जैसे लाइक एनाबिना, नॉन स्टॉक ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम, लेगिमिनोसोरम, ठीक है, सिस्टोनिमा. इन द पेडीफिल्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर, और पेडीफिल्स में एज ए इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर इसका यूज होता है. बहुत सारी फील्ड में, बहुत सारे क्रॉप में इसका यूज होता है. नॉन स्टॉक एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, सिस्टोनिमा, राइजोबियम लेगिमिनोसोरम सॉइल की इंक्रीज फर्टिलिटी को बढ़ाता है और इसे हेल्प करता है. सो आई होप कि आज की पाठशाला आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके. थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला. थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग.